तो नमस्कार दोस्तों, आज का ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही गजब का है। खासकर लड़कों के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बना रहा हूँ और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा जगह वॉच कर लोगे ना तो आपको आज वो चीज़ें सीखने को मिलेगी जिस चीज़ की नीड और ज़रूरत है आपको। तो चलिए मैं स्टार्टअप करता हूँ वीडियो को, क्या चीज़ आपको नीड है, क्या चीज़ आपको सीखना चाहिए एक DRX दिनेश चौधरी के माध्यम से। तो देखो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपको पता होगा ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे समझ रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ, ये चीज़ है मेरे दोस्त पेनिस। ये पेनिस है यानी कि आपका लिंग है, ये लिंग है, ठीक है। मैंने इसको बेहतर तरीके से स्टडी किया है, खासकर रात में मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया कि जितने सारे लड़के परेशान हैं, हर कोई कहता है दिनेश भाई पेनिस का सेंसिटिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पेनिस बहुत लूज होता जा रहा है, खासकर बॉडी के अंदर वीर की भी कमी होती जा रही है, दिनेश भाई कुछ बताओ ताकि पेनिस भी अच्छे से काम करना शुरू कर दे और ये वीर की भरपाई भी बॉडी में अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैंने सोचा प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ इस पर, ठीक है। तो देखो मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखी है कि ये जो पेनिस की नसें खराब होती है ज़्यादातर ये मैस्टरबेशन की वजह से ही खराब होती है मेरे दोस्त, मैस्टरबेशन की वजह से। और ये जो वीर का प्रॉब्लम आप झेल रहे हो कि शरीर में वीर नहीं आता, ये भी आपका मैस्टरबेशन के ही प्रॉब्लम से हो रही है, यानी कि जब आप हस्तमैथुन करते हो उसी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स, वीर की कमी भी हो रही है उसी वजह से, और जो पेनिस का सेंसिटिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, पेनिस एकदम लूज होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है उसी वजह से, यानी कि सारा का सारा खेल किसका है भैया, मैस्टरबेशन का। तो मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है मैस्टरबेशन पे भी, आपको मैस्टरबेशन कितना जल्दी हो सके, कितना जल्दी आप मैस्टरबेशन त्याग दो, छोड़ दो, तो कितना कितना परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं वो देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उस वीडियो को वॉच करना और ध्यान से देखना मेरे दोस्त कि क्या मैस्टरबेशन करने से क्या क्या हानियाँ बॉडी के लिए होती हैं। लेकिन सवाल ये है मेरा आज का कि ये पेनिस को ठीक से काम करवाना और शरीर में वीर की जो कमी है उसकी बेहतरीन मात्रा से पूर्ति करवाना। तो सबसे पहली चीज यहां मैं फर्स्ट में रखूंगा, ऑप्शन वाइज में बना रहा हूं वीडियो, फर्स्ट में रखूंगा आपको हस्तमैथुन तो छोड़ना होगा। अगर आप हस्तमैथुन नहीं छोड़ सकते, आप ये कह रहे हो दिनेश भैया हो यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, यही तो ससुराल छूट नहीं रहा है, तो वीडियो को तुरंत छोड़ के जा सकते हो आप, क्योंकि तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन छोड़ने के लिए तैयार हो तो फिर आप इस वीडियो को फुल वॉच करो और देखो। और दूसरी चीज़ जो मैं आज की इस वीडियो में रखूंगा दोस्त, एक आपको बेहतरीन टिप्स दूंगा, टिप्स, ये टिप्स शायद आज तक मैंने अपने कई सारी वीडियोज में नहीं दिया है, जो चीज़ आज की इस वीडियो में दूंगा। और तीसरी चीज़ ये चीज़ है मेरे दोस्त, कुछ ऐसी डाइट बताऊंगा जिस डाइट को लेने से आपके शरीर में वीर की पूर्ति होगी और आप जो परेशान हो, दुबले होते जा रहे हो, कमज़ोर हो, आपका स्टेमिना काम नहीं कर रहा है, आप हमेशा दुखी दुखी से रहते हो, सैड रहते हो ना, उस सारे प्रॉब्लम्स रिमूव यानी कि खलास हो जाएंगे, आपको फिर लाइफ में कभी पीड़ित नहीं करेंगे। तो मैंने हस्तमैथुन पे बात कर लिया, इस पे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं, जो टिप्स की मैं बात कर रहा हूँ टिप्स आप ध्यान से सुनना और समझना। देखो जब आप सुबह में खाना खाते हो या नाश्ता करते हो, दूध पीते हो, मक्खन खाते हो, कुछ भी आप खाते हो उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये सोचकर आप खाते होंगे कि बढ़िया चने खा रहा हूँ, गुड़ खा रहा हूँ, घी खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर जाएगा तो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप दिन भर खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, जो भी कुछ चीज़ें खा रहे हो खाओ आप, बस ध्यान रहे चटपटी चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें, मार्केट की तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खाना, चाय भी पीना छोड़ देना, लेकिन अब दूध दही मक्खन घी सब कुछ खा रहे हो उसके बाद आपको लग रहा है कि अभी भी बॉडी में पूर्ति नज़र नहीं आ रही आपकी, तो सबसे पहले चीज़ आप करना मेरे दोस्त, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप बोलोगे दिनेश भाई आपने बताया एक्सरसाइज के बारे में, मैं बता रहा हूँ कौन सा एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज बताया है लेकिन कौन सा एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है खासकर वीर की ग्रोथ के लिए और आपके पेनिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्त, क्या चीज़ है, कौन सा योग है, क्या करना, ध्यान सुनना। एक चीज़ आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, क्या होता है, प्राणायाम होता है दोस्त, प्राणायाम होता है ये, अनुलोम विलोम
प्राणायाम जरूर से जरूर करें, इसके बेहतर बेशुमार फायदे आपको मिलेंगे। आप अब ये बोलोगे दिनेश भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम किया कैसे जाता है, फटाक से जाओ गूगल पे सर्च मारो, उसके बेनिफिट्स आप जान जाओगे। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद अगर वीडियो देखना चाहते हो कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है, वो भी आपको यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। कई सारे वीडियोज हैं, आप अनुलोम विलोम करना। और जो मैं डाइट के बारे में बता रहा था, क्या डाइट लेना है, डाइट ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो में मेंशन कर दिया कि ये जो दूध दही मक्खन घी वगैरह सब कुछ आप खा रहे हो ना दोस्त, प्रॉपर आप खाओ। लेकिन ध्यान रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम जो योग मेडिटेशन आप कर सकते हो करो आप ध्यान से। लेकिन जाहिर सी बात है जब तक आपसे मैस्टरबेशन नहीं छूटेगा कुछ नहीं हो पाएगा, शरीर में कोई भी ग्रोथ ना तो आपके पेनिस में कोई परिवर्तन होगा, ना तो वीर्य में परिवर्तन होगा और ना ही आपके बॉडी में ही कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान से सोचना होगा, सुनना होगा। वीडियो में ना समझ में आया होगा तो कमेंट करना, नहीं वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।